उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में दो गुटों के बीच जमीनी विवाद को लेकर हुई झड़पों में पुलिस ने 20 लोगों को गिरफ्तार किया। उपद्रव के बाद सहारनपुर में अब स्थिति बेहतर हो रही है। प्रशासन शहर में शांति कायम करने के लिए हर घटना पर रख रहा है नजर। उत्तर प्रदेश सरकार के सचिव भुवनेश कुमार ने कहा है कि सरकार ने सहारनपुर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। उन्होंने बताया कि शहर में स्थिति सामान्य है और प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि कर्फ्यू को हटा लिया जाए। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार राज्य की जिम्मेदारियों को निभाने में पूरी तरह से नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार में शामिल लोग खुद चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक तनाव पैदा हो, जिससे कि वो वोट की सियासत कर सके। बहुजन समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 2.5 साल में राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बस से बदतर हो गई है। बसपा ने इस मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस पर भी राजनीति करने का आरोप लगाया। सहारनपुर हिंसा की घटना की समाजवादी पार्टी ने भी निंदा की है। राज्य के समाज कल्याण मंत्री अवधेश प्रसाद ने कहा कि सिर्फ सहारनपुर हिंसा से राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति का आकलन नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश में हो रही हिंसा पर कांग्रेस ने चिंता व्यक्त की। पार्टी की वरिष्ठ नेता रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि पिछले 1 साल से राज्य में हिंसा की घटना में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। एनसीपी नेता तारिक अनवर ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश सरकार पूरी तरह से विफल रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में एक के बाद एक हिंसक घटनाएं हो रही हैं, जिस पर प्रशासन का कोई नियंत्रण नहीं है। कप्तान सिंह सोलंकी को आज चंडीगढ़ में हरियाणा के राज्यपाल की शपथ दिलाई गई। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आशुतोष मोहंता ने हरियाणा राजभवन में उन्हें शपथ दिलाई। नेपाल के दौरे पर गई विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अपनी यात्रा को सफल बताया। उन्होंने कहा कि यात्रा के उम्मीद से अच्छे परिणाम रहे। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष पर लोकसभा अध्यक्ष का फैसला अंतिम होगा। उन्होंने कांग्रेस नेता आनंद शर्मा के लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन पर इस मामले में सरकार के दबाव बनाने वाले बयान पर आपत्ति व्यक्त की। आयकर विभाग 31 जुलाई तक लगातार टैक्स रिटर्न जमा करने की सुविधा पर काम कर रहा है। दिल्ली में कई जगह फॉर्म भरने के लिए विशेष काउंटर लगाए गए हैं और लोगों को मुफ्त में फॉर्म और दूसरी सुविधाएं दी जा रही हैं। एक हादसे में अपना पैर गवा देने के बाद भी एवरेस्ट की चोटी पर जीत का परचम लहराने वाली अरुणिमा सिन्हा ने पर्वतारोहण के क्षेत्र में एक और नायाब उपलब्धि हासिल की। अरुणिमा ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस भी फतह किया।